औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम और उनकी आल पर। दोस्तों, दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो कि डेली मजदूरी करके अपनी जरूरियात पूरी करते हैं। ऐसे लोग सख्त से सख्त काम करने में जरा भी आर नहीं करते। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के जिन आलसी लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नंबर 5, दोस्तों दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो कि ऑफिस जॉब करते हैं। इसमें इन्हें डेली घंटों चेयर पर बैठकर काम करना पड़ता है। कई दफा ऐसा होता है कि चेयर खराब हो जाती है और इसे रिप्लेस करके नई चेयर मंगवाई जाती है। ये जो एम्प्लॉय आप देख रहे हैं, इन्हें भी ऑफिस वालों ने नई चेयर मंगवा कर दी थी ताकि ये उस पर बैठ कर आराम से काम कर सके। लेकिन इस एम्प्लॉय का स्वैग लेवल कुछ और ही है। इसने सोचा कि कौन इसका बॉक्स खोले और चेयर असेंबल करे, तो ये उसके बॉक्स पर ही बैठ गया। भाई के आइडिया के लिए ढेर सारी तालियां होनी चाहिए। नंबर 4, दोस्तों हम सब जानते हैं कि फ्रूट खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हम सब डेली ही मुख्तलिफ फ्रूट्स खाते हैं। फल खरीदते वक्त आपने अक्सर इन पर लगा हुआ स्टिकर देखा होगा। नॉर्मली हम इस स्टिकर को उतारते हैं और एप्पल धोकर इसे खाते हैं। लेकिन क्या हो अगर ऐसे स्टिकर वाला सेब किसी आलसी के हाथ लग जाए। ये जो एप्पल आप देख रहे हैं, इसे जिस शख्स ने खाया है उसने स्टिकर उतारने जैसा मुश्किल काम करने से साफ इनकार कर दिया था और इर्द गिर्द से एप्पल खाकर स्टिकर वाली जगह छोड़ दी। बेचारा सेब भी कहता होगा कि मैं किसके हाथ चढ़ गया हूँ। भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। नंबर 3, दोस्तों जब भी किसी जगह आग लगती है तो फायर फाइटर्स तेजी से इस मकाम पर जाते हैं और आग बुझाकर लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं। ये रियल लाइफ हीरोज अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर दूसरों की मदद करते हैं। आपने बहुत सी वीडियोस में फायर फाइटर्स को आग बुझाते देखा होगा। लेकिन कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि इन्हें किसी भी इमरजेंसी में कोई टेंशन नहीं होती। ये जो जीनियस फायर फाइटर आप देख रहे हैं, इसे आग बुझाने की कोई जल्दी नहीं है। ये सुकून से चेयर पर बैठकर पाइप से आग पर पानी डालकर सब पर एहसान कर रहा है। मोर ओवर इस मुश्किल काम में थकावट की सूरत में इसने अपने पास पानी की बोतल भी रख ली है। आखिर इतना मुश्किल काम करेंगे तो प्यास तो लगेगी ही। इस फायर फाइटर को हम खैराजी तहसीन पेश करते हैं। नंबर 2, दोस्तों आप सबने रोड पर जाते हुए ये मार्क लाइन देखी होगी। ड्राइवर को कार इस लाइन के अंदर चलानी पड़ती है। ये रोड मार्किंग ज्यादातर मशीन के जरिए की जाती है। एक स्पेशल मशीन में पेंट डालकर इस तरह रोड पर लाइनें बनाई जाती हैं। लेकिन कई रोड वर्कर्स के लिए ये काम मौत के बराबर होता है। ये जो मार्किंग आप देख रहे हैं, इसमें जब वर्कर पेंट कर रहे थे तो रोड पर मरा हुआ जानवर आ गया, तो इन्होंने इसे उठाकर साइड पर करने की बजाय इसके ऊपर ही पेंट कर दिया। इसके अलावा इस पार्किंग स्पेस में मार्किंग करते हुए इन लेजी वर्कर से एक लकड़ी का टुकड़ा भी साइड पर नहीं किया गया। इन लोगों ने तो लेजीनेस की हद कर दी है। नंबर 1, दोस्तों आप सबने अपनी कार में पेट्रोल तो डलवाया होगा। पाकिस्तान में तो पंप वाले खुद ही पेट्रोल डाल देते हैं, लेकिन बाहर के मुमालिक में पेट्रोल टैंक के साथ एक चिप लगी होती है जिससे ऑटोमेटिक पैसे कट जाते हैं और ड्राइवर को खुद ही पेट्रोल भरना पड़ता है। वैसे तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को कार से बाहर निकल कर पेट्रोल भरने में मौत पड़ती है। ये जो आलसी शख्स आप देख रहे हैं, इसने तो सबको लेजीनेस में पीछे छोड़ दिया। कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने के बजाय इसने अंदर से ही पेट्रोल भर लिया। ये सच में आलस की इंतहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल रहमत इस्लाम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अल्लाह निगेबान।